भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल प्रदेश के लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जहां प्रदेश सरकार ने 7 मई से प्रदेश भर में कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है, तो वहीं कर्फ्यू समय बढ़ाने व घटाने का निर्णय जिला के उपायुक्त को सौंप दिया गया है। इसी के मद्देनजर बिलासपुर जिले में भी कल सुबह 6 बजे से कोरोना कर्फ्यू लागू हो जाएगा, जो कि 17 मई सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस बात की जानकारी देते हुए बिलासपुर उपायुक्त रोहित जम्बाल ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, अंडा, मीट, मछली व फल सब्जी की ही दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं 2 बजे के बाद बाजार पूर्णतः बंद रहेंगे और केवल कोरोना टेस्ट करवाने, वैक्सीनेशन के लिए अस्पताल जाने व मेडिकल इमरजेंसी वाले मरीजों को ही आने जाने की छूट रहेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि कर्फ्यू के दौरान सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे। इसमें केवल पुलिस प्रशासन, मेडिकल स्टाफ, जिला प्रशासन, जल शक्ति विभाग व बिजली बोर्ड कार्यालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग खुले रहेंगे। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी व निजी निर्माण कार्य को भी कर्फ्यू में छूट मिली है, जिसके चलते मनरेगा के कार्य सहित जिला के बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे हाइड्रो इंजीनियरिंग, कॉलेज निर्माण कार्य, एम्स व रेलवे निर्माण कार्य रोजाना ही तरह जारी रहेंगे। गौरतलब है कि इससे पूर्व सरकार द्वारा शनिवार व रविवार को बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया था, बावजूद इसके कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते देख 7 मई सुबह 6 बजे से प्रदेश में एक बार फिर कर्फ्यू लगाने का कैबिनेट ने फैसला लिया है, जिसकी पालना करवाने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। बिलासपुर जिले में भी कोरोना कर्फ्यू कल सुबह 7 तारीख के 6 बजे से लेके 17 तारीख की सुबह 6 बजे तक जो है लागू रहेगा। इस दौरान जो हैं, जो लोग अपनी वैक्सीनेशन कराने या अपना कोविड टेस्ट कराने जा रहे हैं, उन पे कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, वो पहले की तरीके से जा सकती हैं। सरकारी जो ऑफिसेज हैं वो पूर्ण रूप से बंद रहेंगे, सिर्फ कुछ एक जो हेल्थ सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी, जल शक्ति विभाग, ये जो मुख्य विभाग हैं ये रहेंगे। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, तो मनरेगा के तहत जितनी अब वो हो रही हैं वर्क, कोई प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के वर्क हैं या और बड़े हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का वर्क है, AMC, ये सब चलते रहेंगे। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स भी जो हैं वो भी चलती रहेंगी SOP की, नियमों की अनुपालना करते हुए। बाज़ार, मॉल्स, जिमनेजियम, ये सभी जो हैं बंद रहेंगे, सिर्फ जो हैं आवश्यक वस्तुएं जो हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ जैसे दूध, अंडे, ब्रेड, सब्जियां, मीट वगैरह इत्यादि की दुकानें, ये सब जो हैं प्रतिदिन खुलेंगी, पर ये 2 बजे ये भी पूर्ण रूप से बंद हो जाएंगी। तो मुख्यतः 2 बजे के बाद से बाज़ार पूर्णतया जो हैं बंद होंगे, कोई भी दुकान खुलने की इजाज़त नहीं होगी। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए बिलासपुर से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।